तो स्वागत है दोस्तों आपका केपी कंप्यूटर्स में। तो आज हम लोग डेटा को कनेक्ट करना देखते हैं, कैसे डेटा कनेक्ट होता है कंप्यूटर पे। जैसे कि हम लोगों के पास यूएसबी है, हम लोग के पास डिवाइस नहीं है वो नेट कनेक्ट वाली, हम लोगों के पास यूएसबी है। तो यूएसबी से कैसे डाटा कनेक्ट करेंगे मोबाइल का जो डाटा होता है। देखिए पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है कट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये कट का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद देखिए अब जैसे कि अभी हम लोग यूएसबी लेंगे, ये हम लोगों के पास यूएसबी है, तो इसको पहले हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे। फ्लैश ऑन कर देता हूँ मैं ज़रा। ये हम लोग ने इसको यूएसबी को यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इसको, ये मेरे पास में मोबाइल रखा हुआ है एक, तो इसमें मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। मोबाइल कनेक्ट हो गया, हाँ तो यहाँ से मोबाइल कनेक्ट हो गया। तो इसके बाद इसी में हम लोग सेटिंग पे जाएंगे। यूएसबी, इस पे यूएसबी टाइप करेंगे, यूएसबी, ये देखिए यूएसबी टाइप किया। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं। USB, तो ये हमारे सामने USB लिख के आया, USB 33 करके। तो अब हम लोग इसको ऑन कर देंगे, ये जो ऑप्शन है USB का इसको ऑन कर देंगे। तो ये जो हमारा कट का निशान बन के आ रहा था इस पे देखिए डाटा कनेक्ट होने वाला निशान बन के आने लगा, लोडिंग चालू हो गई है। अब जैसे डाटा कनेक्ट होगा तो ये लोडिंग ख़त्म हो जाएगी, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा नेट कनेक्ट हो गया, ये आ गया हमारे पास, ये आप लोग इधर देख सकते हैं नेट कनेक्ट हो गया। तो इस पे चाहे आप यूट्यूब चलाओ चाहे जो भी चलाओ, यहाँ से हमारा कनेक्ट हो गया। यूट्यूब चलाते हैं, जैसे कि ये देखिए यूट्यूब नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है, वैसे आप लोग करेंगे तो हो जाएगा सब। देखिए यूट्यूब चालू हो रहा है, तो ये हमारा नेट कनेक्ट हो गया है। यूट्यूब खुलने में टाइम बहुत लग रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो आप लोग ट्राई करिएगा ये ट्रिक, कंप्यूटर में नेट कनेक्ट हो जाएगा वैसे तो। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं हम लोग। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में देखते हैं।